एसडीएम सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले भूमि विवाद, पुलिस व नगर निगम से आए संबंधित, निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर सदर सांसद अभि किशन ने की बैठक। हर दिन जनपद में चलेगा अलग अलग अभियान। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी फिशरमैन के अध्यक्ष देवेंद्र निषाद ने प्रदेश में जाति जनगणना आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग। भाजपा का दोबारा महानगर अध्यक्ष बनने पर राजेश गुप्ता ने कहा कि शुरू से कार्यकर्ता भाव से किया है कार्य, आगे भी करेंगे। 2024 में देश में सबसे ज्यादा सीट जीतेगी भाजपा। खजनी ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह ने विकासखंड खजनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसवा में स्थापित स्वास्थ्य केंद्र में पब्लिक हेल्थ यूनिट का किया शिलान्यास। कहा, हेल्थ यूनिट लग जाने से लोगों को शहर नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए, डॉक्टर करेंगे उसवा में मरीजों का इलाज। सहजनवा थाना क्षेत्र के शहबाजगंज में 13 सितंबर की रात बकाया रुपया नहीं देने पर दुकानदार द्वारा कर्मचारियों के साथ मिलकर ठेकेदार योगेंद्र की हत्या कर आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त कुदाल के बेट को किया बरामद भेजा जेल। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। बाइक रैली में प्रतिभाग करने वाले बाइकर्स टीम को स्वच्छता की दिलाई गई शपथ। कैन थाने की पुलिस टीम को अहम कामयाबी लगी हाथ। पुलिस टीम ने ऑटो से मोबाइल लूट करने वाले शातिर गैंग के सरगना भकालू समेत 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से लूटी गई 3 मोबाइल समेत घटना में प्रयुक्त ऑटो को किया गया बरामद। कैंपियरगंज थाने की पुलिस टीम ने जालसाजों के शातिर गैंग का किया सनसनीखेज खुलासा। पुलिस टीम ने गैंग सरगना अजय श्रीवास्तव समेत 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार भेजा जेल। यात्रियों की सुविधा को लेकर एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने दिखाई गंभीरता। शहर में आने वाले ऑटो पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के मद्देनजर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। चेतावनी के बाद भी यूनिक आईडी नहीं लगाने पर दर्जनों ऑटो चालकों का किया गया चालान। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। एसडीएम सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया कि तहसील दिवस में पुलिस, राजस्व, नगर निगम, विद्युत सहित अन्य विभाग के मामले आए हैं, जिसके निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके का निरीक्षण कर निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कुछ मामले जमीन की पैमाइश को लेकर आए थे, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, हमारा पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर नेहा बंधु ने कहा, अब तहसील दिवस में हर सारे विभाग समन्वित होकर बैठते हैं। तब अभी इसमें जब से मैं बैठी हूँ तब अलग अलग विभाग के मामले सामने आ रहे हैं, बिजली विभाग के, राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग से संबंधित, नगर निगम, सारे विभाग से संबंधित मामले आ रहे हैं। जिस भी मामले का निस्तारण मौके पर संभव है, किसी किसी मामले में जो व्यक्ति हैं, जो आवेदक हैं, उनको पता नहीं होता कि वो उस मामले का निस्तारण किस स्तर से संभव है, कहाँ उन्हें फॉर्म जमा करना है, इस तरह से, तो वो भी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है, तो वो उन व्यक्तियों का, उन मामलों का भी निस्तारण हो जाता है मौके पर। और कुछ मामले हैं जिसमें जमीन पे जाना ही पड़ता है, पैमाइश वगैरह के मामले हैं, तो उनका निस्तारण उसमें ससमय बता दिया जाता है कि जल्द से जल्द उनका पैमाइश सहमति के आधार पे अगर संभव है तो कर दिया जाए। अब ये तो जनता जनार्दन जवाब दे सकती है, मेरा तो इसमें
हमारी कोशिश यही रहती है पूरी टीम की कि जितने से ज्यादा जितनी जल्दी से जल्दी और जितना नियमानुसार जो भी निस्तारण संभव हो वो हम कर दें। और तहसील दिवस के अलावा भी डेली जनसुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन है कि तहसील दिवस में हम मामले। सदर सांसद रवि किशन की अध्यक्षता में बेनीगंज पार्टी कार्यालय पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाए गए जाने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर बैठक की गई, जिसके संबंध में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आते हैं तो विकास की गंगा बहाते हैं। उसी क्रम में रविवार को दोपहर में रामलीला मैदान अंधियारी बाग में विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी तैयारी को लेकर यह बैठक की गई है। इसके अलावा पीएम मोदी का जन्मदिन है, भाजपा पीएम के जन्मदिन से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा के रूप में पार्टी मना रही है, जिसमें हर दिन विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पिछला कार्यकाल आप सभी ने देखा, आप सभी के सहयोग सानिध्य प्यार से हम सभी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का एक प्रयास किया गया। निश्चित ही आगे इस कार्यकाल में भी आप सबके सहयोग प्यार आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के रीत नीति को आगे बढ़ाते हुए आदर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज एवं प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री एवं हम सबके लोकप्रिय नेता प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी एवं मंचासीन हमारे सभी नेतागण, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय जैन साहब, आज सभी के मार्गदर्शन में जो भी हम सभी को दायित्व काम मिलेगा हम सभी उसका निर्वहन करेंगे। आज की जो बैठक है मुख्य रूप से जो आगामी हमारे कार्यक्रम है पार्टी के, उस निमित्त यह बैठक बुलाई गई है। कोई स्वागत अभिनंदन का यह कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आप सब कार्यकर्ताओं का प्यार स्नेह मिल रहा था तो मैं सोचा कि आज की बैठक में दो शब्द उस के बारे में भी कहूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, कल उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार जब भी गोरखपुर आते हैं तो विकास की गंगा बहाते हैं। उसी क्रम में कल 1:30 बजे रामलीला मैदान अधियारी बाग में एक विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम आयोजित है। उसी कार्यक्रम की तैयारी की दृष्टि से आज की ये बैठक हम सभी ने रखी है। और जो प्रधानमंत्री जी का कल जन्मदिन भी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन है। पार्टी कल उनके जन्मदिन से लेकर पूज्य बापू के जन्मदिन तक ये सेवा पखवाड़ा के रूप में पार्टी मनाती है। उसमें भी तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हैं। उन कार्यक्रमों की तैयारी की दृष्टि से आज की ये बैठक हम सभी कर रहे हैं। इस बैठक में हमारे सभी महानगर के पदाधिकारीगण, सभी मंडल के अध्यक्षगण, सभी पार्षदगण, सभी मोर्चा के अध्यक्षगण आज इस कार्यक्रम में बैठ के बैठक में पूरी योजना रचना हम सभी बना रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी 1:30 बजे अधियारी बाग रामलीला मैदान पे विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास का एक बड़ा कार्यक्रम कल आयोजित है। उस कार्यक्रम में इस गोरखपुर को बहुत कुछ देने वाले हैं। उस कार्यक्रम की भी तैयारी की बातचीत हम सभी अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है। आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता को दोबारा महानगर अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि हमने शुरू से कार्यकर्ता का भाव से कार्य किया है। पहले भी महानगर अध्यक्ष के रूप में सेवा करते आए हैं। जो भी केंद्रीय नेतृत्व व प्रदेश नेतृत्व ने विश्वास मेरे ऊपर किया है, जिसके लिए सभी केंद्रीय नेताओं व प्रदेश के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलकर पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेंगे।
लोकसभा 2024 के चुनाव में हम लोग लगकर पार्टी को जीत दिलाएंगे, जिसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, दायित्व है, हम सभी कार्यकर्ता भाव से हमेशा से काम किए हैं, पहले भी महानगर अध्यक्ष के तौर पे काम किए। निश्चित ही जो भी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है, निश्चित ही आपके माध्यम से उन सभी अपने केंद्रीय नेताओं को एवं प्रदेश के नेताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास किए हैं और उनके बताए रास्ते पर पार्टी की रीति नीति को लेकर नीचे तक हम सभी जाने वाले हैं। और निश्चित ही 2024 का जो एक महत्वपूर्ण चुनाव इस समय आने वाला है, उस चुनाव में हम सभी प्राण से लग के पार्टी को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, ऐसा हम सभी लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक बार आपके माध्यम से प्रदेश के अपने नेतृत्व को, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश संगठन मंत्री जी को एवं लोकप्रिय प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को, सभी के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। निश्चित ही उनके विश्वास पर हम सभी खरा उतरने का प्रयास। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी फिशरमैन के चेयरमैन देवेंद्र निषाद ने प्रदेश में जाति जनगणना, आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी फिशरमैन के चेयरमैन देवेंद्र निषाद ने बताया कि पूरे प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय से जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें हमारी मांग है कि पूरे प्रदेश में जाति जनगणना कराई जाए और जाति के आधार पर आरक्षण का बंटवारा किया जाए। इसके अलावा नदी अधिकार कानून को लागू किया जाए और पिछड़े समाज के आरक्षण को जाति के आधार पर बंटवारा किया जाए। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, विक्रांत सहनी, अमित कुमार निषाद, अशोक निषाद, चंद्रभान निषाद, अभिषेक निषाद, अशोक कश्यप सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी फिशरमैन के चेयरमैन देवेंद्र निषाद ने कहा, आज फिशरमैन कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश में हर जिले पे कुछ मांगों को लेके जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रही है। ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या मांगे हैं? मुख्य मांगे यह है कि जाति जनगणना कराया जाए और जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से आरक्षण का बंटवारा किया जाए। दूसरी मांग यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में मछुआरा समाज के लिए, निषाद समाज के लिए एक कानून बना था जिसका नाम था नदी अधिकार कानून। जब से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, सपा की सरकार बनी, बसपा की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, इन सरकारों ने उस कानून को या तो निष्क्रिय कर दिया या तो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। मांग यह है कि कांग्रेस की सरकार में जो नदी अधिकार कानून था उसको फिर से लागू किया जाए। तीसरी मांग है कि पिछड़े समाज का जो आरक्षण है उसको भागीदारी के आधार पे बंटवारा किया जाए, जनसंख्या के आधार पे बंटवारा किया जाए। ये मुख्य मांग है। देवेंद्र निषाद, चेयरमैन फिशरमैन कांग्रेस। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। खजनी ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह ने विकासखंड खजनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसवा में स्थापित स्वास्थ्य केंद्र में पब्लिक हेल्थ यूनिट का शिलान्यास किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं तब से जनपद के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। पहले उसवा के लोगों को शहर में जाकर इलाज कराना पड़ता था, लेकिन अब वह सुविधा हेल्थ यूनिट उसवा में लग रही है, जिससे यहाँ के लोगों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि वह समय से यहाँ आएं जिससे मरीजों का इलाज हो सके। इस अवसर पर भाजपा नेता
अंशुमालीधर द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह, राजेश सिंह, चुन्नू सिंह, प्रधान पंच बहादुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी जनता से कहना चाहूंगी कि आज मैंने जो शिलान्यास किया है उसका और आप सभी इसका जब मतलब उद्घाटन जब मैं ही करने आऊं और मैं चाहूंगी इधर दी जा रही है कि हम पब्लिक को चेकअप करने के लिए या उनका इलाज करने के लिए आप सभी यहां पे उपस्थित रहें। मैं 26 जनवरी को यहां पे आई थी बट यहाँ पे ताला लगा था, वही मैंने सोचा कि आखिर में मैं आई हूँ तो ताला लगा है 26 जनवरी को। आप लोगों को तो 24 घंटे के लिए सभी का सुविधा जनता यहाँ पे जब भी आती होगी तो आप लोगों को ताला लगा मिलता होगा, तो बताइए उन लोगों को कितनी असुविधा होती होगी। यहाँ से जाना पड़ता होगा गोरखपुर, लेकिन मैं यहाँ खजनी में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पे जितने डॉक्टर्स रहते हैं उपस्थित रहते हैं और वहाँ पे पब्लिक भी दिखाई देती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि उर्वा में भी आप सभी समय पे आए और जनता को स्वास्थ्य लाभ दें। तजनवा थाना क्षेत्र के शहबाजगंज में 13 सितंबर की रात बकाया रुपया नहीं देने पर दुकानदार ने कर्मचारियों के साथ मिलकर ठेकेदार योगेंद्र की हत्या की थी। पुलिस ने शुक्रवार को शहबाजगंज के विधु महेश तिवारी और कर्मचारी महाराजगंज के पुरैना रजवल बाजार के सूरज को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से नीले रंग का एक अदद रेडमी मोबाइल और घटना में प्रयोग कुदाल का बेट बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सजनवा थाना अध्यक्ष नित्यानंद पांडे, उप निरीक्षक विकास मिश्रा व उप निरीक्षक जितेंद्र निर्मल सहित अन्य कर्मचारी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सजनवा थाना अध्यक्ष नित्यानंद पांडे, उप निरीक्षक विकास मिश्रा सहित उप निरीक्षक गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सजनवा थाना अध्यक्ष नित्यानंद पांडे, उप निरीक्षक विकास मिश्रा व उप निरीक्षक जितेंद्र निर्मल सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, ये दिनांक 13/9/2023 को सायंकाल योगेंद्र त्रिपाठी की मारपीट के दौरान हत्या हुई थी। इसके संबंध में थाना सजनवा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सजनवा टीम द्वारा इसमें शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम विधु महेश तिवारी तथा सूरज पुत्र लक्ष्मण हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। हत्या में प्रयुक्त रॉड को भी बरामद किया गया है व एक मोबाइल जो उनका छीना गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। क्या कारण था कि सर ये दोनों लोग पैसे के आपसी लेन देन के विवाद के संबंध में झगड़ा किए थे, उसी में योगेंद्र पाठी के भी चोट लगी थी जिसके क्रम में उनकी मृत्यु हुई। उनका कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, फिर भी देखा जा रहा है, अगर संभव होगा तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। गार्बेज फ्री इंडिया बनाने के दृष्टिगत भारत सरकार के आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा शनिवार को आयोजित इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 के मेगा इन्वेंट से पूर्व नगर निगम गोरखपुर द्वारा जागरूकता एवं जन सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए टाउन हॉल चौराहे से महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 में नगर निगम गोरखपुर द्वारा गोरखपुर ज्वाइंट टीम के नाम से प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें मुख्यालय
जिसमें मुख्य कार्यक्रम शहर के दो स्थलों श्री गोरक्षनाथ मंदिर के आसपास एवं रामगढ़ ताल नौका विहार पर होना है। नगर निगम द्वारा इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 कार्यक्रम को सफल बनाने जाने के लिए दो टीमों को गठन किया गया है। प्रथम टीम का नेतृत्व गोरखपुर जॉइंट्स टीम के कैप्टन महापौर डॉक्टर मंगले श्रीवास्तव द्वारा श्री गोरखनाथ मंदिर के आसपास एवं द्वितीय टीम का नेतृत्व टीम ब्रांड अम्बेसडर सांसद रवि किशन शुक्ला द्वारा रामगढ़ ताल नौका विहार पर प्लाग रनिंग महासफाई अभियान एवं मानव श्रृंखला के माध्यम से एंटी लेटरिंग मैसेजिंग व सिंगल यूज प्लास्टिक बैन तथा स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इस अभियान हेतु बाइकर्स टीम द्वारा गोरखपुर की टीम गोरखपुर जॉइंट्स के प्रति लोगों को अधिक से अधिक जोड़ना के लिए जागरूक किया गया है। बाइक रैली टाउन हॉल चौराहे से होते हुए गणेश चौराहा यूनिवर्सिटी चौराहा वाया छात्र संघ चौराहे से अम्बेडकर चौराहा होते हुए शास्त्री चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान महापौर द्वारा बाइक रैली में प्रतिभाग करने वाले बाइकर्स टीम को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। उक्त रैली में 300 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। बाइक रैली में अपर नगर आयुक्त नोडल अधिकारी SDM सहित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। लोग अपना दायां हाथ आगे कर लेंगे और मेरे साथ स्वच्छता की शपथ लेंगे। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ और एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया था। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरित्रार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगले श्रीवास्तव ने कहा, देखिए स्वच्छता का कार्यक्रम जो है सतत चलने वाला कार्यक्रम है। इसी संदर्भ में आज हम सभी यहाँ इकट्ठे थे और हम लोग इंडियन स्वच्छता लीग सीजन 2 में इस बार प्रतिभाग कर रहे हैं और कल एक विशाल कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर परिसर और नौका विहार के पास हम लोग आयोजित करेंगे। इसमें गोरखपुर जॉइंट वर्सेज गार्बेज और यूथ वर्सेज गार्बेज का कॉन्सेप्ट लिया गया है और हम लोग इस देश को, शहर को, राज्य को, सभी को एक स्वच्छ वातावरण देना चाहते हैं। ऐसे में गार्बेज फ्री इंडिया के बगैर ये संभव नहीं है। एंड थाने की पुलिस टीम को अहम कामयाबी हाथ लगी। पुलिस टीम ने ऑटो से मोबाइल लूट करने वाले शातिर गैंग के सरगना भकालू समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से लूटी गई 3 मोबाइल समेत घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद किया गया है। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने प्रेस वार्ता के दौरान
लूट का खुलासा करते हुए बताया कि लुटेरों के शातिर गैंग द्वारा कराए गए ऑटो से मोबाइल लूट किया जाता था। कैंट थाने के पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने मोबाइल छीनने वाली एक ऐसी गैंग जो कि नायाब तरीके से लूट का काम करते थे। ये लोग एक ऑटो को किराए पर लेते थे, किराए पर लेने के बाद में उससे रात के समय भ्रमण करने वाले लोगों को पर्टिकुलरली टारगेट करते थे। उसमें दो लोग, एक अमित कुमार और दूसरा बकालू, बकालू जो कि यहाँ डोमखाना राजघाट का रहने वाला है, इस पर पूर्व में भी कई मुकदमे हैं। इस व्यक्ति ने मोबाइल को छीनने का प्रयास किया एक व्यक्ति का, और उसके बाद में उस व्यक्ति को मोबाइल के साथ में घसीटा। उसका वीडियो फुटेज भी पुलिस को मिला। ये तहरीर प्राप्त होने के बाद में पुलिस ने ऑटो के मोबाइल, ऑटो के नंबर के आधार पर इन लोगों को ट्रेस करने का प्रयास किया, और आज इन लोगों को ट्रेस किया गया, जिसमें इनको ऑटो समेत इन दोनों को पकड़ा गया है, और तीन मोबाइल हैं वो इनसे बरामद हुए हैं, और साथ में ऑटो को भी बरामद किया गया है। कितनी घटना को अंजाम दे चुके हैं सर ये? कितने लोग थे, कितने गिरफ्तारी हुई है? ये टोटल तीन लोग थे उस ऑटो के अंदर, इनमें से दो की गिरफ्तारी हुई है, एक व्यक्ति अभी भी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेज के विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। सर कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं अभी तक? का इन लोगों ने टोटल तीन घटनाओं को अंजाम दिया, उनमें से एक का ये कबूल कर रहे हैं, दो अन्य उनका एमए रन कराने के बाद में जानकारी मिलेगी। कैंपियरगंज थाने की पुलिस टीम ने जालसाजों के शातिर गैंग का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस टीम ने गैंग सरगना अजय श्रीवास्तव समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के जरिए जमीन की अवैध सौदेबाजी की जाती थी। जालसाज जमीन बेचने का झांसा देकर लाखों की ठगी करते थे। उन्होंने बताया कि गैंग का शातिर सरगना अजय श्रीवास्तव पूर्व में भी 18 लाख की ठगी के मामले में जेल जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, ये थाना कैंपियरगंज में काफी समय से शिकायत आ रही थी कि कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं गलत तरीके से, और पैसे का लेन देन गलत तरीके से कर रहे हैं, अपनी फोटो लगा के गलत तरीके से कुटरचित तरीके से जमीन अपने नाम करा ले रहे हैं। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज थाना कैंपियरगंज को तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके नाम अजय श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव और नंदन पटेल हैं। ये लोग अपनी गलत फोटो लगा करके और गलत आधार कार्ड के आधार पर जमीन की फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करा लेते थे, और पैसों का गलत तरीके से लेन देन करते थे। जिसमें जो मुख्य अभियुक्त अजय श्रीवास्तव है, वो पूर्व में भी 18 लाख रुपए की हेराफेरी के चक्कर में जेल जा चुका है। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। क्या बरामद हुई सर? ये चूंकि कूटरचित दस्तावेज का प्रकरण था, तो इसमें इसके पास से कूटरचित जो दस्तावेज थे वही बरामद हुए। कैसे तैयार करते थे ये अपने जो कोर्ट में इनके सहयोगी रहे हैं, उनके सहयोग से, और राजस्व के जो सहयोगी हैं उनके माध्यम से, दलालों के माध्यम से। यात्रियों की सुविधा को लेकर एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने गंभीरता दिखाई है। यातायात पुलिस टीम द्वारा शहर में आने वाले ऑटो पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान चलाकर कार्यवाही की गई है। चेतावनी के बाद भी यूनिक आईडी नहीं लगाने पर दर्जनों ऑटो चालकों का चालान किया गया है। एसपी ट्रैफिक ने ऑटो चालकों से अपील किया है कि अपने ऑटो पर जल्द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगवा लें। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी ऑटो पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगाया जा रहा है। इस दौरान टीआई मनोज राय, टीआई धर्मेंद्र सिंह, टीआई अजीत कुमार पांडे और टीएसआई रामवीरज सहित यातायात के दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अपने सारे दोस्तों मित्रों ने सरकार को बताइए कि बिना यूनिक आईडी नंबर के शहर में प्रवेश नहीं हो सकता किसी भी हाल में किसी दशा में। लगातार एक महीने से प्रचार हो रहा था, भैया निकलो। ए रास्ता, ए उधर वाली गाड़ी पकड़ो, उधर वाली सब भाग जा रहे हैं। भाग रहा था
रहा, इसको अलग से दिखवाना, भाग रहा था काफी में रजिस्टर में, इसको मैं बताता हूँ रजिस्टर में आग लिखा गया है, नंबर को बता दो लिखा गया, दिखाओ जिंदा में लिखा गया, कोई रोकता है तो बताओ ना। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा ऑटो रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखे जाने का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी ऑटो को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है परिवहन विभाग द्वारा, जिसमें उसमें पूरी डिटेल रहेगी कि ड्राइवर कौन है, उसका नाम पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ऑटो का मालिक कौन है, सारा बायोडाटा उसमें फीड रहेगा। इसी संबंध में अभियान चलाया जा रहा है और आज जो है कि उसी संबंध में जो है कि यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग भी की जा रही है कि किन्होंने ये आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त कर अपने ऑटो पर लिखवा लिया है, किन्होंने नहीं लिखवाया है, तो इसी संबंध में आज ये चेकिंग जो है अभियान शुरू किया गया है। आज सर जो लोग नहीं लगाए हैं ये कार्रवाई पर आगे भी जारी रहे? निश्चित रूप से, ये जब तक सभी ऑटो अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त कर ऑटो पर नहीं लिखवा लेंगे तब तक ये चेकिंग अभियान उनके विरुद्ध जारी रहेगा।